अभी लगा डर? देखा होता है यार, पहले हमें भी बड़ा डर लगता था, बट अब ठीक है। तो अभी इतनी बड़ी चीज नहीं है, मेरे को उम्मीद है कि मम्मी सेकंड वाले इसमें बड़े अच्छे से जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप व्लॉग्स। आई होप आप सब सही हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो जी, आज हमें है डे 3 इन चंडीगढ़। आई होप आप लोगों ने पिछले वाला ब्लॉग एंजॉय किया हो और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो अंबाला के बारे में। अगर आपकी फैमिली में भी शादी आ रही है या फिर आप लोग शॉपिंग करना चाहते हो और अंबाला जाना चाहते हो, तो आई होप वो ब्लॉग आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। और मैंने उसमें जो नंबर थे वो उसमें डाल दिए। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हो उनकी दुकान के बारे में जानने के लिए। तो आप ये ब्लॉग सेव भी कर सकते हो या फिर वो नंबर आप सेव कर सकते हो कि इन फ्यूचर अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो आपको हेल्प हो जाए। आज पता क्या, आज हमें चंडीगढ़ में भी काम है, छोटे मोटे काम है, तो सोच रहे वो भी निपटा देते हैं। और एक और चीज, कल जब हम अंबाला गए थे तो नेहा के एक दो काम रह चुके थे। एक सूट था जो ऑल्टर होके आना था, वो भी आज आ जाएगा, तो वो आएगा 17 सेक्टर, तो हमें उसे भी पिक करना है। तो सबसे पहले इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे है? निकली कुछ थकान? निकल गई रेस्ट। आज हम लोग थोड़ा सा लेट इसलिए निकले क्योंकि रात को वैसे ही हम लोग लेट पहुंचे और इतना सारा सामान आप लोगों ने इकट्ठा किया, मान गया आपको बड़ी तगड़ी स्पीड है। नहीं, मेरे को तो क्या थैंक्स। अगर नेहा ने अपना काम नहीं किया होता, लिस्ट नहीं बनाई होती, तो भी कुछ नहीं होना था। पापा अगर इतना रोकड़ा नहीं लेके आए होते कैश, तो फिर नहीं हो पाता। मैं तो सिर्फ साथ ही दिया ना, आप लोगों के सहयोग से हुआ। बनानी चाहिए, फायदेमंद थी। आप एक एक चीज लिखो, आपको छोटी से छोटी चीज भी वो भी लिखो, तो वहाँ जाके आपको सिर्फ टिक करना है, ये भी हो गया वो भी हो गया, तो सारा सामान जो है ना मिल जाता है। तो आप रेकमेंड करोगे अंबाला जाना चाहिए शॉपिंग के लिए? बिल्कुल जाना, है ना, क्योंकि मुझे तो बहुत डिफरेंस लगा और इतना रीजनेबल है भाई, और अच्छी क्वालिटी। ऐसा भी नहीं है कि आपको बेकार चीजें मिलेगी, अच्छी क्वालिटी मिलेगी होलसेल रेट में। पहले अपना माइंडसेट करके जाना चाहिए, क्योंकि जो लड़कियां हैं, क्योंकि खुद को होता है कि हमें नहीं समझ आता है, हमने माइंड में सोचा कि अच्छा हम ये लेके जाएंगे, तो जब वो वैरायटी दिखती है ना, हम कंफ्यूज आते हैं, यार ये लहंगा भी सुंदर है, ये लहंगा भी सुंदर। मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूँ, मेरे को जो एक तो मेरी आदत ऐसी है कि मेरे को ऐसी चीजें पसंद आती है। बिल्कुल, जो सबसे महंगी और रेयर होगी वो इसको पसंद आएगी, फिर वो मजबूरी हो जाती है कि लेना ही पड़ता है। पर चलो कोई बात नहीं। तो चलो जी, आज हम लोगों को जो है ना चंडीगढ़ में छोटे छोटे काम है, और हम लोगों ने वैसे तो आज निकल जाना था पर हम रुके इसलिए क्योंकि नेहा का एक सूट आने वाला है, तो वो भी नेहा पता करना पड़ेगा कब तक आ रहा है, क्या आ रहा है। तो चलो अब भाई थोड़ा सा चंडीगढ़ एक्सप्लोर किया जाए, घूमते हैं थोड़ा, एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, और वैसे भी लास्ट डे है तो हम चाहते हैं कि एंजॉय करें और फिर हाँ क्योंकि बिजी हो जाएंगे। चलो फिर चलो। तो जी, कल ये पूरी की पूरी गाड़ी इतनी फुल थी और मैं यहाँ तक भरी हुई थी, और अक्षय को भी बेचारे ड्राइव करने में इतनी दिक्कत हो रही थी, पर आज हमने खाली कर दी है। तो गाड़ी इसलिए खाली की है क्योंकि आज चंडीगढ़ भी घूमना था, हमें थोड़ा सा काम था, तो इतने सामान के साथ चंडीगढ़ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हमने सारा सामान रूम में रख दिया, गाड़ी खाली कर दी। और राणा जी को भी बार बार हम तंग नहीं कर सकते कि आप आओ, बाकी लोग अपने भाई बंधु है वो भी है पर वो फ्री नहीं थे, सबके अपने अपने काम होते हैं। तो अभी हम लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं। तो अभी हम लोग आए हैं 22 सेक्टर अरोमा के पास। यहाँ पे हम लोगों ने पहले कार्ड्स भी देखे थे, तो नेहा के मम्मी पापा आए तो सोचा कि इनको भी दिखा देते हैं जो कार्ड्स और बॉक्सेस हम लोगों ने देखे थे। तो लेट्स सी क्या बनता है, फाइनल हो पाता है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो कहीं और भी देखेंगे। मनी माजरा भी गए थे, मनी माजरा में इतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे नीचे ऊपर दाएं बाएं हर जगह लिखा हुआ है कार्ड्स वाले। अगर आप भी बनवाना चाहते हो तो आप भी आ सकते हो 22 सेक्टर। तो अभी हम जा रहे हैं मॉडर्न वेडिंग कार्ड्स एंड बॉक्सेस वालों के पास, तो ये स्टेयर्स में है ऊपर को। तो भाई एक जगह से बाहर आके अब हम चल पड़े दूसरी जगह, ओम साई वेडिंग कार्ड्स। हमें वहाँ तो कुछ पसंद नहीं आया, तो सोचा कि यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे थी शॉप ऊपर, लेट्स सी। तो जी, वहाँ से भी बाहर आके अब हम लोग जा रहे हैं ट्रू चॉकलेट। तो यहाँ हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था, सोचा कि यहीं पर ही अब देख लेते हैं लास्ट टाइम। तो ये देखो यहाँ पे, ये सीढ़ियों में ही अपने सैंपल बॉक्सेस रखे होते हैं उन्होंने, किसी ना किसी की डिलीवरी के लिए ये लोग बना दिए पापा, किसी ने ना ऑर्डर किए होंगे उनके बन के यहाँ पे बन चुके हैं, अभी यहाँ से भेजने बाकी है, यहाँ ऊपर है वो, जाके देखते हैं। तो हमारा कार्ड वाला काम हो गया है, अब नेक्स्ट इज भाई अभी हम लोग जा रहे हैं 17, क्योंकि नेहा को 17 से भी थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, और दूसरा ये कि भाई मेरे को अभी 22 जाना है क्योंकि 22 मोबाइल मार्केट चार्जर तो हो गया मेरे को, आपकी वजह से टूटा है मेरा आईफोन का चार्जर।
कौन हो आप? मैं वहाँ भी मार्केट में बताता हूँ मैं कौन हूँ मेरे को मार्केट में आप एक बार पहुँचने मैं नहीं जानती आपको कौन हो आप। यार मुझे ना चार्जर लेना है क्योंकि ना चार्जिंग की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और वो ना चार्ज हो नहीं पा रहा, मेरा अडेप्टर टूट गया तो अडेप्टर लेना है अपने। नया फोन मांगता है? नया फोन तो चलो अभी है समय, अभी नया फोन नहीं लूंगा पर अडेप्टर तो ले सकता हूँ एटलीस्ट फोन को चार्ज करने के लिए। चलो चलते हैं यार। तो जी मैं पहुंच चुका हूं 22 मोबाइल मार्केट, अकेला ही जा रहा हूं क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा, ये लोग घूम रहे थे तो मैंने सोचा मैं ही फटाफट अपना चार्जर अडेप्टर ले लूं, फिर हमें 17 जाना है तो यहां सैमसंग से ही पूछता हूं मैं। तो भाई अपना अडेप्टर तो मैंने ले लिया है, अब ये वीवो से लिया है, तो अब चलते हैं भाई, अब जाना है हमें 17 क्योंकि थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है और तो यहां पे वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है बाहर उतर के, तो इनसे भी पूछता हूं कुछ खाना पीना तो नहीं है। मैं सोच रहा हूं कुछ जूस वगैरह पीना है, जूस वगैरह कुछ पीना है आपको? लंच करना है मुझे। अच्छा यार कुछ खाना है, अब थोड़ा सा भूख भी लगी है। 17 चलते हैं वहीं पे कुछ देखते हैं, ठीक है? तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं 17 और अभी देखते हैं यहाँ पे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, पूछता हूँ मैं। तो आज 17 भी थोड़ा सा वैसे ही लग रहा है, खाली खाली, और अभी धूप है, दिन है, गर्मी है तो इसलिए ज़्यादा लोग बाहर निकलते भी नहीं है, पर काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ 17, काफ़ी मज़ा आ रहा है 17 को देख के, बहुत ज़्यादा पुरानी यादें हैं यहाँ से। हाँ जी तो पहले कुछ खाइए कि आपने पहले लेना है कुछ? पहले खा लेते, बैठ के डाउन। हाँ थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी, चलो आ जाओ। तो देखो अगर कुछ नहीं पसंद आ रहा है ना तो हम एक काम कर सकते हैं कि एलांटे चलते हैं, थोड़ी देर एलांटे भी घूमते हैं, मज़ा आएगा। मैंने परफ्यूम लाया एलांटे से, मम्मी पापा भी आए तो इनको एलांटे भी घुमा लेते हैं। उससे पहले मम्मी और मेरा वादा है कि मैंने इनको आइसक्रीम खिलानी है तो उधर से हम आइसक्रीम खाएंगे। आपने नहीं खाना? नहीं, मम्मी तो खाएंगे, आप तो खाओगे? तो पापा से भी हम पूछते हैं कि आइसक्रीम खाएंगे कि खाएंगे कि नहीं, मैं और मम्मी तो ज़रूर आइसक्रीम खाएंगे। तो अभी हम लोग आए यहीं पे, ये नया, तो अभी हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम खाने आए, ये है कोना, कोना स्तारा द टेस्ट ऑफ चंडीगढ़, तो यहाँ हम लोग अक्सर खाया करते हैं। तो मम्मी कौन से वाली खाओगे? तो भाई इतनी गर्मी में जो आइसक्रीम खाने का मज़ा ना वो कहीं नहीं है। मम्मी मज़ा आ रहा है आपको? पापा को तो बहुत ठंडी लग रही है पापा हो रही थी ठंडी आइसक्रीम कैसे खानी है, और इतनी गर्मी में मैं बताऊँ आइसक्रीम से ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि एक तो धूप लगी है ऊपर से एकदम कड़ाकेगी और गर्मी से हमारी आइसक्रीम भी पिघल रही है, जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं एलांटे मॉल, थोड़ा सा एलांटे भी घूमते हैं, आज हमारा काम वैसे हो चुका है। अभी नेहा का जो ड्रेस लेके आ रहा है बंदा वो भी 17 पहुँचने वाला है, तो बस चलते हैं अब 17 बस स्टैंड की तरफ। अभी मैं जा रहा हूँ नेहा का वो सूट लेने, नेहा को कुछ सामान लेना था तो वो अंदर रुक गई मम्मी के साथ और मैं और पापा जा रहे हैं सामान लेने। तो भाई ये पहुँच चुका है अपना 17 बस स्टैंड, सबसे अच्छी बात ये है कि 17 हमारे नज़दीक ही है और 17 में ही हम लोग घूम रहे हैं। तो हम लोगों ने प्लान ही ऐसा किया था कि जैसे ही वो बंदा आएगा तो यहीं पर कहीं घूमेंगे उस टाइम पर, ताकि हम वो सूट भी रिसीव कर लें। अब सूट की भाई अब कैसी फिटिंग होगी वो तो हमें नहीं पता, अब ये सस्पेंस है, जब ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा। तो नया मिला आपको सामान? नहीं नहीं यार, वो मैचिंग इयररिंग्स में थोड़ा टफ है, पर चलो ढूंढ लेते हैं, टाइम है अभी थोड़ा। हाँ वैसे अभी और भी आना है हम लोगों ने, तो मेरे ख्याल से अब हमारी जो है ना अभी तक की सारी शॉपिंग हो चुकी है। अब हम सोच रहे हैं कि एलांटे जाते थोड़ी देर घूमते फिरते, फिर उसके बाद फिर वापस रूम चले जाएंगे। और अभी ध्रुव का भी फोन आया था कि वो भी 22 सेक्टर आया काम से, तो उसको भी बोला मैंने कि मिलते हैं और फिर एलांटे चलते हैं अगर हो सकता है, तो अभी हमें उसका वेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं हम तो यहीं बाहर वेट करेंगे ना, अभी हम लोग बाहर जाते हैं तो अभी वही मिलेगा वो, फिर वहाँ से एलांटे चलते हैं। तो जी हम लोग पहुँच चुके हैं एलांटे मॉल, आज रश देखो कितना ज्यादा क्योंकि सैटरडे, तो मज़ा भी आने वाला है, मज़ा और सज़ा दोनों है आज वैसे, क्योंकि सज़ा ये है कि हम पहुंच नहीं पा रहे कब से ट्रैफिक में खड़े हैं, मज़ा ये है कि भाई एलांटे मॉल पहुंच चुके हैं। क्यों नहीं यहाँ चलते हैं? अब हम पहुंच तो गए हैं पर हमें टाइम का पता नहीं चला, और हम लोग ये लेके चले थे कि शायद अभी 2 बजे हाँ टाइम का किसी को कोई पता नहीं और बहुत मैं भी ऐसी था कि यार अभी तो टाइम है हाँ। और अभी हमने टाइम देखा 5 बज चुके हैं और अंजना और ध्रुव भी आ रहे पीछे, हमें 17 में मिल गए थे ये लोग, तो वहीं से हम लोगों ने प्लान बनाया कि भाई अब चलते हैं एलांटे मॉल, अंडरग्राउंड पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा धूप होगी। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं अंडरग्राउंड पार्किंग में, ध्रुव पता नहीं अब किस तरफ को गया, इस तरफ को ही गया था, अभी तक आया नहीं है। तो हमें यहाँ मिली है पार्किंग F10 के पास, याद रखना पड़ेगा नेहा आपको F10, वैसे मेरे को तो याद ही रहेगा, मेरे को तो वैसे भी याद है, पर कभी भी आओ ना तो आपको ये नंबर याद रखना पड़ता है कि गाड़ी कहाँ पार्क की है, नहीं तो ढूंढते रह जाते। जब नया नया बना था ना तो हम लोग जब गाड़ी खड़ी करते थे हमें यही नहीं पता होता, नंबर भी याद नहीं रखते थे, भूल जाते थे। तो लेट्स गो।
तो आज इतना रश है, ध्रुव को देखो कहाँ जाके इसने गाड़ी लगानी शुरू कर दी। अब पता नहीं यहाँ पार्किंग इसको मिली है कि नहीं, आई थिंक मिली है, वहाँ पे लगा रहा है गाड़ी। वाह यार, एक नई चीज़ देखने को मिली है कि ये जो पार्किंग में है ना, जब यहाँ पे फुल हो जाएगी, जगह नहीं रहेगी, तो ये जो है ना लिफ्ट हो जाएगी ऊपर को, ताकि इसके नीचे जो है ना एक और गाड़ी लग सके। और देखो जैसे यहाँ पे लिफ्ट हुई भी है ऊपर, तो अभी इतनी भीड़ है नहीं है कि इस पे ऊपर गाड़ियाँ लिफ्ट करनी पड़े, तो ये सारी गाड़ियाँ अभी नीचे ही लगी है। उस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, ये देखो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। तो भाई ध्रुव ने आखिरकार गाड़ी लगा दी अपनी ड्राइविंग स्किल से, और है ना बहुत ज्यादा भीड़ है आज। पहले तो ये बताओ भाई, कैसे हो तुम दोनों? बढ़िया भाई, हम तो आप लोगों से मिलने आए। बिल्कुल यार, थैंक यू सो मच। शॉपिंग का टाइम है, गुड टू सी यू बोथ आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैं ये सोच ही रहा था, क्योंकि मेरे को टाइम लग नहीं रहा था जब तुम बोल रहे थे कि टाइम इधर मिलते उधर मिलते, मैं क्या मिलूं तो मिलूं कैसे। सही बात है, चलो एटलीस्ट हमारा टाइम मिल गया, दैट्स इंपॉर्टेंट। बाकी चले, हाँ शॉपिंग तो अपनी जितनी थी वैसे थोड़ी बहुत हो चुकी है, बाकी बाद में करेंगे। एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बेकार, इतना थकान हो जाती है ना, मैं आज भी ऐसे लग रहा है कि अगर सो जाते तो ज्यादा बेटर था। हाँ ये तो, अभी तो पूरी शादी निभानी बाकी है, मेरी तो शुरू होने को है ना अभी। तो अभी हमने नेहा और उसकी मम्मी पापा को उधर ही छोड़ा है भाई, उधर चल पड़ते हैं। सोच रहे होंगे कहाँ गायब हो गए लोग। हाँ चलो अब हम चलते हैं। तो हम लोग अभी अंदर एंटर हो चुके हैं। वाह यार, एंट्री करते ही काफी सारी पेंटिंग सी लगी है यहाँ पे, इम्प्रेसिव। यहाँ पे इसमें कुछ लिखा भी है। अच्छा ये सब बिकने के लिए, जैसे इसका नाम है स्टेरी नाइट, ओरिजिनल प्राइस इसका 15,000 है, डिस्काउंट में मिल रहा है 8,000 में, अगर लेना है तो ये नंबर है। बहुत सारी पेंटिंग है यार, अपनी बना के हमारी तो वैसे भी खतरनाक ड्राइंग है, अगर कोई लेगा तो सोचेगा भाई इसका प्राइस इतना महंगा क्यों। सही बात है, पर मेरे को एक चीज ना बहुत इंटरेस्टिंग लगी, कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं। और अगर आपको लेना है तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप उस हिसाब से उनको कॉन्टेक्ट करके खरीद सकते हैं सारी फोटोज। मम्मी डर तो नहीं लग रहा सीढ़ियों में? मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि बोलो अगर मैं डर लगा तो कोई बात नहीं, पर इसमें डरने वाली बात नहीं, आप टेंशन ना लो, मैं आपके साथ। तो अभी आगे नेहा और पापा चले। इंटरेस्टिंग चीज पता क्या, इसमें मजा नहीं है, जो ऊपर वाली सीढ़ी है ना उसमें ज्यादा मजा आएगा, ये तो सीधी है ना, तो ये वाला ऐसा है बिल्कुल सीधा जा रहा है, ऊपर वाले में देखो एकदम इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो भाई चलो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने पांव रखना है, 1 2 3 यस आगे ना, बस एक ही इतना ही चढ़ना हमने। अभी लगा डर? देखा होता है यार, पहले हमें भी बड़ा डर लगता था, बट अब ठीक है। तो अभी इतनी बड़ी चीज नहीं है, मेरे को उम्मीद है कि मम्मी सेकंड वाले इसमें बड़े अच्छे से जाएंगे, और यहीं पे ऊपर जा रहा है। तो अब हम लोग आ चुके हैं ऊपर फूड कॉर्नर में, क्योंकि ध्रुव को भी भूख लगी थी, मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ खा लेता हूँ। मम्मी आपको नहीं खाना है? क्यों? मम्मी और इन्होंने अभी थोड़ा बहुत कुछ खाया तो इनको भूख नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं तो कुछ खा लूँ। अभी ध्रुव और अंजना को भी पूछते हैं वो लोग कहाँ पे है, तो लेट्स सी। तो सब लोग अंदर बैठ चुके हैं फूड कोर्ट के, कुछ ना कुछ खा रहे, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ खाता हूँ, मुझे भी भूख लग रही है। तो मैंने सोचा चावला से यहाँ पे ना राजमा चावल अच्छे मिलते हैं, पहले भी खाया मैंने, तो वही बाउल लेता हूँ, लेट्स ट्राई। तो जी भाई मेरे राजमा चावल आ चुके हैं, देखो यहाँ पे चटनी भी मिली है, प्याज भी मिला है, और इस तरह से थोड़े से राजमा एक्स्ट्रा है, चावल के ऊपर भी राजमा है। खाना तो नहीं मम्मी? मन तो नहीं कर रहा? तो अपनी एक टीम तो यहाँ पे खाने पे जुट चुकी है, इनको भी भूख लगी थी। यार मेरे को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी। हम लोगों ने वैसे थोड़ा बहुत खाया, पर उससे तेरे को पता है मैं बाहर का खाता नहीं हूँ, तो आई जस्ट नीड अ प्रॉपर मील। तो मेरे लिए तो प्रॉपर मील है। तो जी अब हो चुका है एग्जिट, चलते हैं घर को, सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए, सोच रहे हैं कि रेस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। तो भाई अभी सामान भी हमने एडजस्ट करना है गाड़ी में, मैं खोलता हूँ, रुक जाओ। चलो बाप रे बाप, पहली बार एग्जिट में मैं इतना लंबा फंसा हूँ, आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, और अभी तक हम लोग बाहर ही नहीं निकले एग्जिट पॉइंट से। और मेरे बगल में अंजना एंड ध्रुव। हेलो गाइज, तुमने कभी लांटे में इतना रश देखा है कि बाहर ही नहीं निकल पाया? है ना, मैंने वही बोल रहा, मैंने कहा पहली बार ऐसा हुआ बाहर ही नहीं निकल पा रहे। हाँ आज सैटरडे है ना, इसी वजह से वीकेंड है, तो आज तो काफी लोग आने वाले हैं इस हिसाब से लांटे। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं वापस, अब करना है रेस्ट। सब लोग इतने टायर्ड हो चुके हैं कि बोलना भी जरूरी नहीं समझ रहे, सब लोग चुप आए, बिल्कुल चुप। पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग गाड़ी में ना गाने सुने, ना हमने बात की, चुपचाप बैठे हुए आए, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो चुकी है। अब भाई कल जाना है हम लोगों ने वापस शिमला, आज हमारा लास्ट डे है जो हम चंडीगढ़ में है। तो ध्रुव और अंजना भी हम लोगों को यहाँ पे छोड़ने आए हैं, तो अब यहाँ से इसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है, कि अलग अलग हो जाते हैं या थोड़े टाइम बैठेंगे या कुछ, जो भी है लेट्स सी।
ओ यार व्हाट अ टायरिंग डे। आज ना हम लोग इतना थक चुके हैं कि रेस्ट करने के बाद भी हम लोगों को ऐसा है कि और रेस्ट करना था और सुबह निकलना है हम लोगों को शिमला। तो हम लोगों ने सोचा कि एक नए तरीके से उसमें पैक करेंगे ताकि स्पेस भी बने और हम इजीली जा भी सके। तो भाई अभी बहुत सारे काम है तो मेरे को इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, तो इस व्लॉग को मुझे यहीं खत्म करना पड़ेगा। और आज हमने सोचा कि थोड़ा बहुत रिलैक्सिंग डे रहे, थोड़ा सा घूमे फिरे, एंजॉय किए, कोशिश की, मम्मी पापा को एलांटे भी घुमाया, 17 सेक्टर भी घुमाया जो कि चंडीगढ़ में फेमस है, और जगह भी जाना था पर इतना टाइम नहीं था, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो आई होप अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहे अक्षय दिलीप व्लॉग्स, जुड़े रहे अगले व्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।